हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। देखते रहिए वीडियो अगर पसंद आ रही है तो, और हर हर महादेव। तो चलिए जी, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, और शुरुआत कर देते हैं वीडियो की। तो हो ही जाती है, बनी जाती है कुछ कुछ इसमें। तो सोचती हूँ क्या डालूँ क्या डालूँ वीडियो में। तो शुरुआत एक बार स्टार्ट कर दो तो शुरू हो ही जाती है। और देख देखते रहिए क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले तो भगवान जी के दर्शन कर लीजिएगा। और कार्तिक गया है पूजा करके, कार्तिक सावन में व्रत रख रहा है, भोले शंकर का भक्त है, तो पूजा करके गया है। जय हो, हर हर महादेव। और यहाँ पर लगा रखी है मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए, बारिश भी आ रही है और आज धूप निकली थी, मैंने कहा चलो मशीन लगा देते हैं, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं इकट्ठे डेली। तो ये धुल गए हैं कुर्सी पे, इनको डाल के आती हूँ। और ये है सब्जी, ये पीठ भरती है हमारे यहाँ पर, लक्की के दुकान के पास ही भरती है। तो रश्मि बोल रही थी भाभी कुछ मंगवाना है क्या, मैं पीठ में जा रही हूँ। अब लक्की जो है ना वो दुकान बढ़ाने के बाद जाता है, लेट जाता है बहुत, और सब्जी ऐसी उठा लाता है। तो रश्मि बोल रही थी भाभी मैं जल्दी आ गई और आपको लाना है कुछ, और मैंने कहा बस आलू और टमाटर, वही मैंने लक्की को बोला था, मैंने कहा आलू टमाटर ख़त्म है और वो लेते आइयो। और रश्मि तो बहुत सारी ले आई, आलू प्याज और आम भी लाई है वो, और ये लौकी लाई है, टमाटर भी लाई है, और देखो बहुत सारी सब्जियां ले आई, जबकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, कमी कहा था मैंने। और उधर लक्की लेने चला गया सब्जी, फिर मैंने मना किया, मैंने कहा चाची ले आई है, ये देखो। मैं मावा निकाल रही हूँ, तो मावा निकलने ही वाला है, देखिए निकल ही गया है। तो एक साथ मैं सारे काम लेकर बैठ जाती हूँ, इधर मावा निकल गया है, उधर मशीन कपड़े धो रही है, और इधर बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ करूँगी और खाना बनाना है मुझे। कार्तिक को भूख लग रही है, बर्त है उसका। बस मावा भी निकल गया है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मावा निकल गया हमारा। तो चलिए जी खाना बनाते हैं, कार्तिक का बर्त है, बर्त रख रहा है, अच्छी बात है। मैंने कहा चल कोई नहीं बर्त रख ले। और लक्की जो, लक्की नहीं रखता, लक्की जब छोटा था ना तो जब माँ थी उसकी तो वो रखता था, जब बर्त पूरे 9 के 9 बर्त रखता था, मम्मी रखवाती थी बहुत सारे, और हर चीज़ में पूजा पाठ पूरी करता था वो जब माँ थी, अब कम करता है। अब तो मैं बोलती हूँ, मैंने कहा दुकान भी करता है नहीं कि हाँ करता हूँ मम्मी। वो दुकान पे जाके करता है पूजा, हालांकि कार्तिक सावन में पूजा पाठ कर रहा है। तो चलिए जी खाना बनाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि कार्तिक को लग रही है भूख, उसका है व्रत। तो चलिए, हेलो जी, कैसे हैं आप सब? और मैं जा रही थी टेलर के यहाँ सूट सिलना देने के लिए जा रही थी, मैंने कहा सूट देकर आती हूँ, रक्षाबंधन तक क्या पता मिल जाए, पर पता नहीं लेट हो गया, दे गया अपनी टेलर, पर बोल दूंगी कि रक्षाबंधन तक देना है। तो मैं सर चलो आपको भी दिखा देते हैं, पैक तो रश्मि ने क्या क्या दिया है और मेरे घर से क्या क्या मिला है वो दिखा देती हूँ। रश्मि बोलती थी कि दिखाया कर जो अपने घर से लाती है, लेकिन मैं जो हूँ ज़्यादातर पैसे ही लाती हूँ, और वो पैसे भी पता नहीं कहाँ लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका, तो इस सस्ता मैं कपड़े ही ले लूँ। तो रश्मि बोलती थी जब भी घर से आएगा ना कुछ दिखाएगा, चाहे जो भी लाएगा, पर मैंने कहा मैं तो पैसे ही लाती हूँ, त्यौहार पर भी मैं पैसे ले लेती हूँ भैया दूज पे भी, और पता कुछ चलता नहीं है पैसे का, तो इससे अच्छा तो कपड़ा ही ले लो, सूट ही ले लो। तो ये रश्मि का सूट है जो दिया था उसने, वैसे तो आपको दिखा दिया था उसने, ऑडियंस एक ही है दोनों की, लेकिन फिर भी मैं अभी दिखा देती हूँ। तो ये रश्मि ने सूट दिया था, अभी बाइना निकाल कर तीज पर, तो मैं सोच रक्षाबंधन के नाम का मैं इसको सिलवा लेती हूँ, त्यौहार भी आ रहे हैं तो सिलवा लेते हैं। ये सूट है बहुत प्यारा सूट है, ये सिलने के लिए देखा हमने।
ये मेकअप दिया था उसने, मैं बहुत कम लगाती हूँ पर फिर भी उसने बहुत सारा मेकअप दे दिया। रुमाल वगैरह, ये लिपस्टिक, ये कड़े हैं जो मुझे बे इंतहा पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये कड़े बहुत पसंद आए मुझे। ये पॉन्ड्स ले जाती हूँ मैं, अब तो पसीने में खाने लगती है पर कभी कभी लगा लेती हूँ। और ये बिंदी है, एक क्लेचर, सिंदूर है, बहुत सारा सामान दे दिया। वो पैंटे शर्टें तो क्या दिखाऊँ, पैंटे शर्टें मिली हुई है। ये पैंटे शर्टें मिली है, ये मुझे घर से मिला है। मेरा भाई बोल रहा था कि हैवी सा ले ले, बहुत ज़्यादा हैवी सा ले ले, मैंने कहा मैं सिंपली पहनती हूँ, और ये कपड़ा ना सॉफ्ट है बिल्कुल, और जो हैवी बिल्कुल, वो बोला कि हैवी ले लेना, क्यों ले रही है। मैंने कहा ये सॉफ्ट सा ना मुझे पसंद है, मुझे सिंपल कपड़े बहुत पसंद है, क्योंकि आने जाने में दो चार बार पहने जाते हैं, फिर घर में निकाल ले जाते हैं, और रोज़ में फिर वो घर में पहने जाते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सा लिया था। बोल रहा क्यों सिंपल ले रही, और ले ले बढ़िया सा ले लेना, तो मैंने ये लिया था। कपड़ा सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, ये पैंट, और ये भी सिलना दे के आऊँगी मैं, ये दोनों सूट सिल दे के आऊँगी, रश्मि वाला और ये वाला। और ये इसका दुपट्टा है, एक घर से मिला था मुझको, ये बड़ी भाभी ने दिया था। और जो मेरे भांजे की वाइफ है वो फ्रॉक वाले दे रही, लेकिन मैं फ्रॉक वाले के ना बहुत कम पहनती हूँ, तो मैंने कहा सिंपल सी, मैं सिंपल कपड़े पहनती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने कहा सिंपल सी कुर्तियाँ ले लूँगी, पर फ्रॉक वाले नहीं लेती, तो उसने ये दिया था मुझे, ये सिंपल सूट है। और ये इसका प्लेजो है, और एक इसमें ये दिया था, ये तो मैंने पहन लिया अभी। और ये मेरी बहन ने दी थी कुर्ती सूट, तो पता है क्या है कि मुझे मेरे भाई ने पैसे दिए, कह रहे हैं वहीं से ले लिए चल, जब नहीं आप पसंद आ रहा हो, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मैं पैसे इसलिए लाती हूँ कि मैं रश्मि से लूँगी, क्योंकि रश्मि के सूट ना बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर पैसे ऐसे होते, मैं घर से आई और मेरी बहन ने पता क्या किया, मैंने देखा कि प्रेस खोल के मेरी बहन ने कहा मैंने तेरे प्रेस में ना कुछ पैसे डाल दिए हैं, मैंने सोचा वैसे ही डाल दिए होंगे थोड़े बहुत, तो कह रही देखे नहीं मैंने पैसे डाल लेते। और घर जब मैं आ गई ना, जब बताया उसने कि मैंने पैसे डाल लिए, और देखा मैंने और पर्स में पैसे पड़े गए, मैंने कहा क्यों दिए, क्योंकि कह रही हाँ मुझे पता था कि तू ना बिल्कुल लेने की नहीं है पैसे, कि तू पैसे लेने की नहीं, इसलिए मैंने ना चुपचाप रख दिए पर्स में। तो कपड़े वपड़े तो क्या खरीदी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा रश्मि से खरीदूंगी मैं कपड़े,
अच्छे अच्छे सूट खरीदूंगी। और जब मैं आई चैनल में ना बिल टंगे हुए थे मेरे तो यही है, और मुझे पैसे मिलते हैं ज़्यादा, भाई ने मेरे पैसे दिए थे कि वहीं से चल वहीं से ले मेरे ना, तो कोई बात नहीं, कपड़े बहुत हो गए हैं पैसे काम आ रखते हैं। और ये टी शर्ट दी है मेरे भांजे की वाइफ ने दी है, ये भी दो सूट दिए हैं और ये टी शर्ट दी है। और बोल रही थी भाभी कि मौसी और छाटने और छाटने, मगर नहीं बस टी शर्ट ठीक है। ये चप्पल दी थी, ये डेली वेस की है, खरीद के पहले ही रख दी थी कि चल यहाँ आएगी ना पहन लेना, तो फिर मैंने पहनी थी ये, वहीं पर एक नई जोड़ी थी वहीं पर पहनी थी। और ये मुझे वैसे दी है डेली की, और मैं वैसे देख रही थी तो मेरा भतीजा लेने जा रहा था मेरे लिए कि मौसी तेरी ना बढ़िया वाली चप्पल लाऊंगा, मैंने कहा ऐसे मत लाना मेरी पसंद की लाना कह रहा मैं ले के आ रहा हूँ हील की चप्पल ना, मैंने कहा वहाँ पर अच्छी मिलती है, तो कह रहा लेने चला गया। तो मैं की कह रहा मम्मी चमकीली चमकीली सी ले रहा अब आ सुना, मैंने कहा ऐसी ले रहा, मैंने कहा नहीं मेरी पसंद की लाना, और मैं रक्षाबंधन पाऊंगी ना, मैंने कहा जब लेके जाऊंगी अपनी पसंद की अभी मत लाना। तो ये चप्पल दी थी तो यही है, और पैसे मिलते हैं मुझे और वो काम में लग जाते हैं। सूट मैं ले ही नहीं पाती, मैं सोच रही रश्मि के यहाँ से ना बहुत अच्छे अच्छे सूट होते हैं और मन बहुत करता है कि मैं ये भी लूँगी, मैं घर से पैसे ले आती हूँ, मैंने कहा चल मैं वहीं से खरीदूँगी पर ले नहीं पाती। तो चलिए जी, तो हेलो जी, मैं जा रही हूँ फिर के यहाँ सूट लेने के लिए जा रही हूँ, सूट सिलाऊँगी और इस नाप का सिलाऊँगी, इस नाप का सूट सिलाऊँगी, ये सही आता है मेरे सूट तो इसी नाप का सिलाऊँगी। तो चलिए जी, तो यहाँ आ गई हूँ मैं कॉस्मेटिक की दुकान पर, तो मैं थोड़ा सा सामान लेने आई हूँ क्योंकि जो रश्मि ने मुझे बायना निकाल कर दिया था तो थाली नहीं अभी तक दी, तो मैं चूड़ी बिंदी और ये नेल पेंट थोड़ा सा सामान लूँगी, मैंने कहा थाली में रख कर दे दूँ मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये ले रही हूँ मैं। तो जी मैं घर पे आ गई हूँ, कुछ सामान था जो लेकर आई हूँ और सूट भी देकर आई हूँ सिलना, और आटा ख़त्म हो गया था बिल्कुल, आटा लेके आई हूँ। और कार्तिक कहाँ गया था, तो चलिए जी बनाते हैं अब खाना। तो चलिए जी, मैं मार्केट से आ गई थी, सूट डालने गई थी, सूट डाली आई और कुछ कॉस्मेटिक का सामान लाई थोड़ा सा, और कुछ आटा वाटा ख़त्म होता था वो लेकर आई हूँ। तो और फिर आके मैंने खाना बनाया, वो दिखाया नहीं मैंने मैंने क्या बनाना खिचड़ी बनाई थी तो आते ही क्योंकि लेट सा हो गया था, तो खाना बनाया और काम को ख़त्म हो गया, खाना पीना हो चुका है, बस दूध रह गया बच्चों का, दूध दूंगी उनको। तो चलिए जी, बस एक ने बोला था कि आप ना छोटी छोटी वीडियो बनाया करो क्योंकि लंबी वीडियो ऐसा होता है, पिछली बार की 24 मिनट की गई थी ना 25 की, तो कह रही दो वीडियो बन जाती उनमें, तो छोटी छोटी वीडियो बनाया कर ताकि कोई बोर भी ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं छोटी वीडियो ही बनाया करूँगी, और आपको पसंद आई तो देख लिया करो। मुझे आपके कमेंट बहुत ही प्यारे लगते हैं, कमेंट बस मुझे आपका प्यार मिल रहा है, मेरे लिए यही बहुत है, मेरे पास सब नहीं है, मैं कैसे बोलूँ, जैसे आप मेरे बच्चों को दुआ देते हो मुझे दुआ दे रहे हो, तो सेम टू यू। और मैं यही बोल सकती हूँ कि भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, और तो मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है, और मुझे व्यूज़ का कुछ नहीं है, व्यूज़ कितने आ रहे हैं कितने नहीं, बस मुझे आपका प्यार मिल रहा है ये मेरे लिए बहुत है, मेरे बच्चों को दुआ मुझे दुआ मेरे लिए इतना सोच रहे हो, और सब अपनी अपनी राय रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है जब सब
अपनी अपनी राय बताते हो, भाभी ये कर लो, भाभी वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो एक दिन मैं सुबह से लेकर शाम तक का अपना काम दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। मुझे ना टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, पता नहीं, कहने को हम तीन हैं लेकिन बहुत सारा काम हो जाता है सुबह से। अब किराएदार भी नहीं है तो मुझे नीचे की भी साफ सफाई करनी पड़ती है। नई नई शादी हुई थी ना उनकी, तो सामान रहने के लिए गई है, और बरसात में ना किच 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 कितनी सफाई कर लो, ऐसे कैसे ही रहता है फिर भी। और व्यूज का मुझे बिल्कुल नहीं है, बस मुझे आपका प्यार मिल रहा है, जितना मिल रहा है बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। एक भी गलत कमेंट नहीं आता मुझे, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए फिर, तो मैं छोटी छोटी वीडियो डाला करूँगी अब जा। तो बोल रहे थे वो कि बोर भी नहीं होने के, और उस जो पिछली वीडियो गई है कि दो वीडियो दो पार्ट में बनाती, दो वीडियो बन जाती उनकी उसकी, तो कोई बात नहीं। और एक का कमेंट था कि भाभी आप ना, मतलब अच्छा कमेंट था, बहुत प्यारा कमेंट था, अच्छा लगा मुझे, हंसी आई मुझे कि कितना बच्चों के लिए क्या करो, जो कुछ भी करते हो कितना गंदा रहते हो आप मतलब ऐसे बोल रहे थे, आप समझ रहे हो ना, मेकअप सेकअप बन ठन के बोल रहे होंगे वो कि ऐसे रहा करो। तो मैं पहले से ही ऐसी रहती हूँ सिंपल, मुझे मेकअप सेकअप करने का कोई शौक नहीं है इतना, पहले भी मैं ऐसे ही रहती थी और ऐसे ही रहती हूँ, मतलब करती हूँ जितना होता है मुझ पर उतना मेकअप कर लेती हूँ। और बात रही, मुझे ना पहने नहीं जाते कुछ भी गले में, अभी सर्दियों में पहने करूँगी, गर्मियों में ना थोड़ी सी देर के लिए भी चैन पहन लेती हूँ ना, तो वो दाने दाने से हो जाते हैं, और कानों की तो आदत ही छूट गई, और छोटे छोटे से रखे हुए हैं, पता नहीं रख के कहाँ भूल गई, तो मैं पहना करूँगी, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं, किसी पर्स में मैं ऐसे ही डाल देती हूँ मतलब। तो अभी पहनूंगी मैं, कल पहनूंगी उन्हें, छोटे छोटे जैसे ये है ना, ऐसे ही कान के छोटे छोटे हैं, तो यही बोल रही होंगी। और चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज लेके आई हूँ मैंने कहा चलो मैं पहने करूँगी, तो अब की बार हरी चूड़ियाँ भी नहीं पहन रही, और मैं पहनती हूँ झम 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 होता है, तो पहना करूँगी अब मैं, क्या करूँगी मैं बहुत ज़्यादा सब कुछ पहने करूँगी पर मुझे गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गले में पहनने से, कानों में तो पहनूंगी छोटे छोटे से। तो चलिए जी, और करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कल नहीं तो परसों मिलेंगे। तो मैं आपको पसंद आए या ना आए तो छोटी छोटी वीडियो डाल दिया करूँगी, पर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन डाल दिया करूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होने की, वो छोटी छोटी डाल दिया करूँगी ताकि आप भी ना बोर हो तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब तो बढ़ रही है, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको, तो वैसे बहुत प्यारी लग रही है, प्यारी नहीं कमेंट प्यारे लग रहे, कमेंट प्यारे करते हो, वीडियो का नहीं पता प्यारी लग रही है या नहीं, पर जैसी भी है देख लिया करो। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रात हो रही है, गुड नाइट और बाय बाय।